यूनिवर्सिटी में भी पानी पानी है और बिल्कुल पास में यहाँ से ये टूट चुका है। इसकी है काम बस इतना ही है। तो मंट में सभी और पानी है, घरों में आप देख पा रहे हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ये देखिए पानी। पर फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। पानी अभी तक कम नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। लेवल्स अभी पौंग बांध के इतने भी कम नहीं हुए हैं। और इस वक्त मैं जी मंट एरिया के टांडा पतन पुल के पास हूँ। पुल तो सेफ है, यूनिवर्सिटी में भी पानी पानी है और बिल्कुल पास में यहाँ से ये टूट चुका है। आप देख रहे हैं ये रास्ता बंद है। अभी नज़दीक से भी दिखाते हैं आपको पास में क्या हो रहा है। रास्ता ये बंद है, साइड में सभी घरों में जो मंडमैनी किया पानी घूम चुका है, लेकिन पानी अभी कम हो चुका है। फसलें ख़राब हो चुकी हैं, घरों में पानी है, जो घर हैं जो इनको खाद लग चुकी है। काफ़ी नुकसान आगे भी होने वाला है, क्योंकि पानी को अभी 3-4 दिन जो लगने वाले हैं, काफ़ी कम होने को उससे भी ज़्यादा समय है जो लगने वाला है। जय भारत। तो अभी आसपास पूरा मंड एरिया जो कवर करना है, A to Z प्राल तक, कहाँ कहाँ तक कितना जो नुकसान हो रहा है उस सभी को है जो कवर करेंगे। कब रास्ते खुलेंगे, पानी के लेवल्स क्या हैं, सभी पर बातचीत होगी। पार चले, पार पार जाना नहीं, इतना तो पार टपना। तारी मारते बंदे कपड़े बजी कपड़े पाई तारी घट बजी ना टुटी कितने रात किले उठी है इस तो अगे नहीं पैर रोड ही है इन सभी घरों में पानी घूम चुका है। काफ़ी सारा नुकसान इनका भी हो चुका है। आसपास के सभी एरियाज में जो घर हैं नुकसान हो चुका है यहाँ पे। तो मंड एरिया के रास्तों में से सभी में से पानी जा रहा है, आसपास के घरों में भी। रास्ते अभी खोलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन यातायात इन पर अच्छे से नहीं हो सकता। हम तो रिस्क लेके यहाँ पर आए थे, लेकिन सभी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। इस साइड पानी घूम चुका है। अभी बातचीत भी करेंगे आसपास लोगों से। इस वक्त सूखा है ना, इस वक्त सूखा है, पानी पी लेते हैं। ये है जी, ये मंडमैनी है ना, मंडमैनी, ये लिटिल एंजल स्कूल के पास। यहाँ से पानी रास्ते में जा रहा है, यहाँ पर शायद पहले काफ़ी था, अभी थोड़ा कम हुआ है। स्कूल के अंदर भी पानी जा चुका है, अभी नज़दीक से दिखाएंगे आपको। और यातायात अभी 2-4-5-6 दिनों तक नहीं चलेगा अच्छे से, जब तक ये अच्छे से कम नहीं हो जाता पानी। अंदर चला गया पानी स्कूल के, और पीछे जो अलग यूनिवर्सिटी है उसके अंदर काफ़ी सारा पानी है। फसलें ख़राब हो चुकी हैं मंडमैनी एरिया में भी। भी घूम गया ना, आप रहे गए हैं। पता जाने पता जानी बार लगना हूँ की सीन होगा, सीन की होना कुछ।
पाल को जाने वाला ये रास्ता काफ़ी जगह से डैमेज हुआ है। पानी पानी देखिए आप खेतों में, पहले सड़कों पे भी था, अभी थोड़ा कम हुआ है पानी, अभी और भी आगे जाना है। तो ये मंड स्नौर में, मंड में जो आ इस साइड गर्म में पानी जा चुका है दूर दूर तक। सड़कों पे पानी भी था यहाँ पे पहले, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। जो पीक पॉइंट थे इस नदी के जहाँ पे अक्सर पानी आता था, उनको भी दिखाते हैं अभी, जहाँ पे लेबल आके काफ़ी समय तक रुकता है। तो पशुओं को लोगों ने बाहर सड़कों पे कुछ ऐसे बांध रखा है क्योंकि घरों के आसपास जगह नहीं है, सूखी और ऐसे है जो गुजारा चल रहा है इनका। फीड की दुकानें पास हैं लेकिन वहाँ से निकाल नहीं सकते, सिर्फ हल्की फुल्की घास जो जहाँ पे मिलेगी उसी से गुजारा करना पड़ेगा। ये बेजवान जानवर हैं, इनकी मदद कीजिए। ये पूरा मंड एरिया है, फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है और इस साइड बेली पुल है, और ये यहाँ का एकमात्र बेली पुल जिसके चारों ओर पानी था, काफ़ी हद तक ये डूब गया था। अभी यहाँ से पानी कम हो चुका है, शायद ये कुछ दिनों तक खुलेगा, 3-4 दिनों तक यहाँ से शायद जाता जाता जो चलेगा। तो अभी आसपास की सारी लोकेशन कवर करेंगे मंड एरिया की, जहाँ तक हम जा पाएंगे। तो मंड में सभी और पानी है, घरों में आप देख पा रहे हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ये देखिए पानी, और ये जहाँ का पीक पॉइंट है, जब लेवल ब्यास का थोड़ा सा अप होता है तो यहाँ तक का जो पानी पहुँच जाता है, आपको कई सारी वीडियोस में दिखाया होगा। ये पीर बाबा जी मंड स्नौर टेम्पल, तो यहाँ से लेवल देखिएगा आप, क्योंकि पिछले वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना पानी होता था। अभी जो पानी है वो अपने पुराने लेवल पे पहुँचने ही वाला है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहने वाला है। ये पानी अभी कम नहीं होगा, लेकिन सूखा हो जाएगा, ये पानी अभी कम नहीं होने वाला है काफ़ी दिनों तक। मंड स्नौर में ये है जी आटा चक्की, और आटा चक्की देखिए जी नीचे में कितनी डूब चुकी है। ये सड़क सूखी बची है कहीं कहीं से, लेकिन चारों ओर काफ़ी सारा पानी है फसलों में, और इन गजों में भी पानी पहुंच चुका है। ये वाली लोकेशन तो आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखी होगी, गांव के पास पानी लगभग इस साइड 20-25 लगभग 50 फीट इधर को आ चुका है। यहाँ पे पहले पानी नहीं होता था इन खेतों में, इसी नदी के आसपास होता था, नहर के आसपास, लेकिन अभी यहाँ तक है, और वहाँ तक लेवल आने को भी काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक पानी ऐसा ही चलेगा जितना पानी डैम से छोड़ के रखा हुआ है। और अभी अपने गांव के बिल्कुल पास में भी आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या सीन है, मलकाना गांव, फ्लाइट सोली प्राल तक का जो विजिट करना है आगे की वीडियोज़ में भी। अभी जो फ़िलहाल आपको अपने गाँव का दिखाता हूँ, तो इनको डेरों से है जो एग्जिट करना पड़ा, और कहीं कोई भी जैसे सेफेस्ट प्लेस है वहाँ पे है जो टाइम पास के लिए स्टे किया हुआ है, आसपास से चारे का जुगाड़ किया हुआ है, साईं बाबा टेंपल मंड स्नौर में। हर आसपास कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर जो आगे पीछे के लोग हैं वो रुके हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सीन और भी अभी आगे आने वाले हैं। आपके इस साइड आया पानी, पानी आया इधर, कितना हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ? अच्छा, आते हैं फिर आपको दिलाते हैं, मुआवजा दिलाते हैं। नहीं सदा बार यहाँ बुलाया है ना, चलो बूटा तो मैं दे देंगे जो खराब होगा, ठीक है मैं भी तो दे देंगे। यहाँ पर पहले पानी पानी था, लेकिन अभी पीछे से कुछ टूटा है बिल्कुल टंकी के पास हमारे गांव से, और जिसकी वजह से यहाँ पे पानी काफ़ी कम है। यहाँ से बाइक नहीं क्रॉस करेंगे अभी हम, जाना तू कर मोटरसाइकिल पहले चलने के जल्दी, चपला रहने देने इतने ही, आ जा आ जा आ जा। बहुत ही दिक्कत हो रही है, अभी हमें अपने गांव में जाना होगा, तो वहाँ से रास्ता टूट चुका है।
वो टंकी है जिसके ऊपर चढ़ते अक्सर वीडियो आपको दिखाते थे, अभी भी जाएंगे उसके ऊपर। आ जा उधर देखो, थल्ले देख, थल्ले देख ही बने। नहीं ओहो, नीचे तो खुल गया। ये सोलर डूब चुके थे उस समय, अंदाजा लगाइए कितना पानी था। डूबे नहीं थे, दो दो तीन तीन फुट पानी था, यहाँ पे दो दो तीन तीन फुट पानी कम हो चुका है। अभी टंकी के आसपास से लोकेशन से दिखाते हैं अपने गांव की। ये हमारे गांव का वो रास्ता, ये टूटा है यहाँ से, ये भी टूटने वाला अभी यहाँ से। ये दर्शक आए हैं यहाँ पे जो हर समय देखते रहते हैं कि कब टूटेगा कब टूटेगा, काफ़ी जानकारी रहती है इनको क्योंकि लोकल हैं ये। टूटने से बिल्कुल पहले आपको बताएंगे कि अभी टूटने वाला है। बटा ना मारे कम, ये देखो गाइस, ये आदमी मोटरसाइकिल की तुक्कियां काटता हुआ, मोटरसाइकिल की यही तही फेरता हुआ, इधर पानी ही पानी, ओए होए होए गल बने फिर पता लगे मोए मोए। बस ये पहले ड्राइवर हमारा डर रहा था। तो आसपास में गांव में जो दुकानें हैं वहां पर भी स्टॉक की कमी होने वाली है, और जितना हो पा रहा है काम चल रहा है लोगों का भी, लेकिन अभी आगे वाले समय में रास्ते नहीं खुलेंगे तो दिक्कत होने वाली है लोगों को। पानी कम होने लग चुका है लेकिन काफी सारे लोग अभी फंसे हुए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, उनका सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है। हमारे गांव से सीधा रेस्क्यू हो रहा है और लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। अपने रिलेटिव वगैरह से लोग खाने पीने का सामान भी मंगवा रहे हैं क्योंकि काफी दिक्कत अभी आगे के समय में यहाँ पर होने वाली है। हमारे गांव का ये मेन रास्ता अभी अभी टूट चुका है और लगभग रास्ते क्लोज हो चुके हैं, पानी कम हो चुका है लेकिन रास्ते बंद है। तो अगले आने वाले वीडियोस में जो आपको अपने आसपास के सभी गांव, मंड एरिया के सभी गांव है जो एक्सप्लोर करूंगा, कहां पे कितना नुकसान हो रहा है, और पोंग बांध से जो कोई भी अपडेट आएगी वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।